उत्तर प्रदेश में बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों को रोकने के लिए पुलिस चाइल्ड पॉर्न देखने वालों पर कड़ी नजर रखेगी। अगर कोई यूपी में चाइल्ड पॉर्न देखता है तो उसके पास संदेश के साथ चेतावनी आएगी। आदतन चाइल्ड पॉर्न देखने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि अडल्ट पॉर्न देखने वाले तब तक कानूनी कार्रवाई के दायरे में नहीं आएंगे जब तक वे पॉर्न वीडियो और फोटो को किसी दूसरे से साझा नहीं करते हैं। किसी से भी अडल्ट पॉर्न वीडियो शेयर करना अपराध की श्रेणी में आता है। इसमें 5 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगता है, लेकिन अडल्ट पॉर्न देखना अपराध नहीं है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के दौरान योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से लाए गए उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 को बुधवार को पारित कर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक पेश किया। इसमें जबरन या धोखे से धर्मांतरण कराए जाने और शादी करने पर 10 साल की कैद और विभिन्न श्रेणी में 50,000 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। विधेयक में विवाह के लिए छल कपट प्रलोभन देने या बलपूर्वक धर्मांतरण कराए जाने पर अधिकतम 10 साल के कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 3 महीने से चल रहे किसान आंदोलन का असर जिला पंचायत चुनाव पर भी नजर आने लगा है। हालांकि किसी भी राजनीतिक दल ने अपने समर्थित प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, लेकिन मैदान में उतरने वाले बाहुबलियों ने तैयारी तेज कर दी है। इसका असर शादी से लेकर गांव की बैठकों में दिखने लगा है। इस चुनाव में सबसे ज्यादा परेशान बीजेपी के समर्थन से चुनाव लड़ने का प्लान बना चुके प्रत्याशी हैं। जिस प्रकार से किसानों में बीजेपी सरकार को लेकर नाराजगी है, उन्हें डर है बीजेपी का समर्थन कहीं उन पर उल्टा न पड़ जाए। यूपी की राजधानी लखनऊ के रामर टीनियर कॉलेज में बुधवार को कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद बाकी स्कूल प्रबंधन भी सतर्क हो गए हैं। कई निजी स्कूलों ने हर क्लास में 20 के बजाय 12 बच्चों को ही बैठाने का फैसला किया है। इस बीच कई निजी स्कूल 1 मार्च से पहली से पांचवी तक के बच्चों को बुलाने से कतरा रहे हैं और ऑनलाइन क्लास ही जारी कर रखने की दलील दे रहे हैं। पायनियर मॉन्टेसरी स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि किसी भी शाखा में 1 मार्च से कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा। वहीं 6 से 8 तक की हर क्लास में 20 बच्चों के बजाय 12 बच्चों के बैठने का इंतजाम किया जाएगा। इससे सोशल डिस्टेंसिंग बेहतर होगी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में अवैध संबंध के शक में गला दबाकर गर्भवती पत्नी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी पति नोएडा की ही एक कंपनी में इंजीनियर है। बताया जा रहा है पति ने हत्या के बाद शव को 2 दिन तक घर में ही रखा और ठिकाने लगाने का प्रयास करता रहा। बुधवार की दोपहर आरोपी खुद कोतवाली पहुंचा और पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस के मुताबिक 22 फरवरी को सुबह 6:30 बजे खुशी की बिस्तर पर गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। इससे पहले दोनों ने आर्य समाज मंदिर में करीब 10 महीने पहले ही शादी की थी।